बोलेरो मिलेगी, मतलब सैलरियों के दाम पे बोलेरो ले जाइए। नाइन सीटर भाई, ये भी भाई ये तो झारखंड बिहार का शान बोलते हैं, वो गाड़ी है। सही बात है, पर्सनल चलाइए, भाड़ा में चलाइए भाई, जहाँ भी चलाना है चलाइए, लगन है उस हिसाब से हम लोग गाड़ी लेकर गए। काफी डिमांड होती भी है, गजब की क्रेज अभी भी है भैया, अभी भी महिंद्रा बोलते हैं ना भाई, सीजन में तो गजब की कमाई है, सबसे कमाई वाली गाड़ी लेकर अगर बहुत डिमांड होती है भाइयों की, खास करके झारखंड के तो भाई टॉप मॉडल है। हम लोग 8 दिखाए अब सीधे, हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है विनोद और भाई आप देख रहे हो आप ही का चैनल विनोद के ब्लॉग। आज की अगर गाड़ियों की बात की जाना भाई, तो आज आप लोग के लिए अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लेकर आ गए हैं, जैसा कि आप लोग डिमांड करते हो, और बड़ी से बड़ी सेगमेंट में गाड़ियाँ ले, ज़्यादातर अभी 7 सीटर में होने वाली है, क्योंकि भाइयों की काफ़ी ज़्यादा कमेंट होती है कि 7 सीटर गाड़ियों की, तो भाई उसी हिसाब से हम लोग लेके आए हैं। एक बार मैं आप लोग को कलेक्शन की बात करता हूँ, तो भाई हम लोग के पास अभी देख लो यहाँ पे DI बोलेरो होने वाली है, जो कि भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट होती है, भाड़ा वगैरह हम गजब की चलती है, और भाई ये जमशेदपुर नंबर होने वाली। बाकी एक और बोलेरो, आपको दो बोलेरो आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, ये भाई SLX होने वाली है, बाकी आप देख लो छोटी सेगमेंट में। बाकी भाई 7 सीटर महिंद्रा की XUV500 भी आप लोग को दिखाने वाला हूँ, तो भाई एक दो कलर में आपको मिलेगी, एक सिल्वर में मिलेगी, तो वाइट कलर में मिलेगी भाई, तो इस तरह का देख लो, कंडीशन मस्त है, भाइयों की काफ़ी ज़्यादा कमेंट होती है, फेवरेट बोलते हैं ना, तो वो भी आप लोग के लिए लेके आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्कॉर्पियो भी लेके आए हुए भाई, जो कि S2 होने वाली, काफ़ी ज़्यादा कमेंट होती है इस सेगमेंट की गाड़ियों के लिए, तो भाई S2 देख लो, आगे पीछे सब तरह में दिखाने वाले। बहुत ज़्यादा हम लोग देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे, सारा डिटेल्स वगैरह आप लोग के लिए ले लेंगे। बाकी भाई चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग इसी तरह का वीडियो हमेशा आप लोग के लिए लाते रहते हैं। कैसा है सर वो बताइए? और बढ़िया, मजे एक बार व्यूअर्स को थोड़ा हाई कर दीजिए। हाय व्यूअर्स, आप लोग के चलिए क्या डील लेके आए हैं वो बताइए थोड़ा आज। आज तो भैया बहुत बढ़िया डील होने वाला है हमारे पास, सिर्फ XUV आप देख रहे हैं, XUV स्कॉर्पियो बोलेरो सारी गाड़ियां लगेगी, बोलेरो के दो सेगमेंट, XUV भी दो सेगमेंट, XUV मिल जाएगी। बाकी अभी हम लोग है कहाँ पे भैया, थोड़ा डिटेल्स बता दीजिए। ये तो आप देख ही रहे हैं, कोकर इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग हैं, लेकिन आपको परफेक्ट लोकेशन बताएंगे तो कोकर चौक, आपको कोकर चौक से आते हैं काटा टोली की तरफ, तो 1 किलोमीटर अप्रोक्स चलेंगे तो आपको राइट साइड में आप शोरूम नजर आएगा, पोदार मोटर रियल वैल्यू। बाकी सारे डिटेल्स वगैरह हम लोग बाद में ले लेंगे भैया, बाकी स्टार्ट करते हैं क्या। तो चलिए भैया पहली गाड़ी हम लोग शुरुआत करते हैं, महिंद्रा की XUV500 काफी डिमांड होती भी है, गजब की क्रेज अभी भी है भैया, अभी भी इसकी अपडेट वर्जन आ गया, फिर भी गजब की, फिर भी यूज कार में बहुत ज्यादा डिमांड है इस गाड़ी, खासकर कि ये इतनी लंबी गाड़ी बल्कि लगती ना भैया, इसीलिए लोग पसंद। और लास्ट में ये भी है फाइनली कि ये इसमें बहुत प्रीमियम क्वालिटी की गाड़ी है, बिल्कुल प्रीमियम गाड़ी की वजह से, और प्राइस इसका यूज कार में बहुत कम होता है, एकदम नई गाड़ी की प्राइस समझ लीजिए इसके 3-4 गुना रहती है, लेकिन गाड़ी यूज गाड़ी। चलिए व्हाइट कलर में हम लोग XUV500W8 डिटेल्स क्या होगी भैया थोड़ा बताइए। ये आप देख रहे हैं ये गाड़ी रांची नंबर होगी, ओके, और ये पूरी व्हाइट कलर में गाड़ी है, इंटीरियर भी इसका बहुत अच्छा ही है कंडीशन में, और गाड़ी किलोमीटर लगभग अप्रोक्स 1 लाख के आसपास चली हुई गाड़ी है, ओके, और गाड़ी आप देख ही रहे हैं, आप समझ रहे हैं कितने अच्छे कंडीशन में गाड़ी है। सीरियल वगैरह कौन सी होगी भैया? ऑनर सेकेंड ऑनर गाड़ी, सेकेंड ऑनर, कोई तरह से गाड़ी खर्च निकालेगी भैया? गाड़ी में किसी तरह का खर्च नहीं होगा, पहली तो बात है कि आप टेस्ट ड्राइव लें, आप चेक करें, और उसमें कुछ कमियां दिखती है तो मैकेनिकल वर्क हम करवा, बिल्कुल भाई टेस्ट ड्राइव करना जरूरी है, ताकि आपको थोड़ा बहुत अगर गाड़ी में कुछ लगता है तो आप करवा सकते हो, ठीक है भैया। ओरिजिनल या फिर डेंट पेंट में? हल्का फुल्का तो डेंट पेंट रहता ही है, क्योंकि 2013 की गाड़ी है और इसमें स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग डेंट पेंट करा देते हैं गाड़ियों को। तो चलिए भाई इस तरह का है, बाकी अगर बात की जाए तो इसमें एयरबैग वगैरह सारा कुछ, सारे फैसिलिटी है, बाकी आपको सिनेमेटिक्स में भी दिख रहा होगा, प्रीमियम ये गाड़ी है, गाड़ी में गजब की है, और हाई सेगमेंट में एक तरह से बोल सकते हैं कि है।
ठीक है भैया, अब बताइए इंश्योरेंस होगी क्या इसमें? इंश्योरेंस अभी वैलिड नहीं है, लेकिन हम इंश्योरेंस वगैरह सारा कुछ हम लोग करवा के देंगे। पार्टी कहीं लगेगी पैसा? हाँ। ठीक है, कीमत क्या हो जाएगी भैया जरा बता? कीमत इसकी है 6,25,000 रुपये ओनली। 6,25,000 2013 मॉडल। फाइनेंस भी करा दीजिएगा ना भैया? जी फाइनेंस भी हो जाएगी। हो जाएगी भैया, कम से कम क्या डाउन पेमेंट करना होगा इस गाड़ी? डाउन पेमेंट क्योंकि 2013 की गाड़ी है तो 40-50% डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, बाकी काम फाइनेंस करवा। मतलब 3.5 लाख दीजिए, लेके जाइए, बाकी भाई एक नंबर नंबर कहाँ की होगी भैया? नंबर गाची नंबर है, J01। कोई तरह से खर्च नहीं निकलेगा। चलिए अगली गाड़ी की ओर बढ़ते हैं। तो अगली गाड़ी हमारे पास महिंद्रा की, फिर से आज हम लोग ज्यादा 90% महिंद्रा की गाड़ी दिखा रहे हैं भैया। जरूर ये भी भाई, ये तो झारखंड बिहार का शान बोलते हैं, वो गाड़ी है। सही बात है, पर्सनल चलाइए, भाड़ा में चलाइए भाई, जहाँ भी चलाना है चलाइए, लगन है उस हिसाब से हम लोग गाड़ी लेकर। अगर ऐसा गाड़ी जो भाइयों की काफी डिमांड होती है, S2 M2DI इंजन के साथ, M2DI इंजन है, स्कॉर्पियो है, क्या डिटेल्स होगी भैया वो बताइए। ये आपको 2016 की गाड़ी है और ये आपको मिल जाएगी, मे बी जमशेदपुर नंबर है, थोड़ा कंफर्म होना पड़ेगा क्योंकि नंबर प्लेट हम लोग खुलवा देते हैं इसके लिए, थोड़ा जमशेदपुर देख लेते यार। हाँ जी, जमशेदपुर नंबर है ये। ओके, 2016 की गाड़ी है और गाड़ी लगभग 90% ओरिजिनल ही कलर में है, डेंट पेंट का इसमें नहीं। बम्पर वगैरह लग रहा है भैया थोड़ा सा टच अप वगैरह? तो भैया बम्पर तो ब्लैक ही कलर का, S2 का आता है ब्लैक ही कलर, और ये फाइबर का आता है, फाइबर का है तो बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं। और भाई ये सब गाड़ी चलती है ना रोड में तो लगती है कि हाँ ये कुछ चल रही है गाड़ी। दोनों यूज पे आते हैं, पर्सनल यूज भी कर सकते हैं और साथ में आप भाड़ा में भी चला सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है और डिमांडेड गाड़ी है, और खास करके S2 सीरीज में भैया S2 का बहुत ज्यादा डिमांड है। S2, S4, S3 गजब की डिमांड है बिल्कुल। किलोमीटर वगैरह क्या चली हुई भैया? किलोमीटर लगभग इसके 70 अप्रोक्स चली हुई गाड़ी है, ज्यादा चली हुई गाड़ी नहीं है। और गाड़ी आप तो देख ही रहे, जमशेदपुर नंबर गाड़ी है, 2016 मॉडल है। ओके, ऑनर सीरियल? ऑनर इसका फर्स्ट ऑनर फर्स्ट भाई, फर्स्ट ऑनर मिलेगी। पेंट जॉब वगैरह तो नहीं किया गया ना? पेंट जॉब हल्का फुल्का कहीं पे होगा तो होगा, लेकिन मैक्सिमम इसका ओरिजिनल कलर है। चलिए, इंश्योरेंस होगी क्या इसमें? इंश्योरेंस का वैलिड है अभी तो भाई, इंश्योरेंस में वैलिड है, जमशेदपुर नंबर गाड़ी हो जाएगी। इंटीरियर में तो भाई लग्जरी प्रीमियम 7 सीटर गाड़ी ये भी आती है भैया, बनाया हुआ रहता है ये फिर बाद में किया जाता है? नहीं नहीं, ये तो अलग से सीट कवर वगैरह लगाए, इनबिल्ट जो है वो अंदर ही है और बाहर से अलग से जो पार्टी यूज कर रहे थे उन्होंने सारा कुछ लगा के रखा है। तो चलिए भाई, तो इस तरह का 2016 मॉडल है भैया, 2016 कीमत क्या हो जाएगी? ये आपके 9,25,000 की। 9,25? थोड़ा बहुत कर दीजिएगा भाइयों के लिए, इसको थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो सकता है। तो चलिए, तो जिन किनी भाइयों को चाहिए होगा भाई आओ लेके जाओ। अगली कार की ओर आते हैं, तो फिर से हमारे पास महिंद्रा की एक SUV 500W11। ये तो टॉप मॉडल है भैया? टॉप मॉडल। तो भाई टॉप मॉडल है, हम लोग 8 दिखाए, अब सीधे 8 के बाद 11 दिखा रहे हैं, मतलब टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल गाड़ी है, लग्जरी सेगमेंट में प्रीमियम में आती है भाई। क्या डिटेल्स होगी भैया वो बताइए? ये गाड़ी आपकी, ये आपकी देवघर नंबर गाड़ी है, JH15 ना? J14 की गाड़ी। पेंट जॉब वगैरह तो नया? नहीं, पेंट जॉब नहीं है, ओरिजिनल जो है ये ओरिजिनल कलर है, ओरिजिनल है। और ये भी एक सरकारी पदाधिकारी की गाड़ी है, तब तो देख सकते हैं। और गाड़ी वेल मेंटेन्ड और 56,000-57,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है, गाड़ी आप कहीं से भी ना नहीं बोल सकते, गाड़ी ऐसी है, मतलब बोलते हैं ना कि ब्रांड न्यू वो कंडीशन में आप लोगों को मिलने वाली है। बाकी इंटीरियर में थोड़ा बताइए क्या कुछ होता है इसमें? इंटीरियर में देखिए, लेदर की पूरा इंटीरियर की पूरा फिनिशिंग है अंदर में, आप देख रहे हैं स्टीरियो सिस्टम है, टच सिस्टम और सारा कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी, सारा मतलब जो चीज है सारा कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी है भाई। नंबर कहाँ की होगी भैया? ये देवघर नंबर मिलेगी अभी, J14। ठीक है, किलोमीटर बताइए भैया? किलोमीटर ये इसकी लगभग 50-60 के आसपास है, 50-60,000 चले। हाँ। सर्विस रिकॉर्ड तो निकल जाएगी? सर्विस रिकॉर्ड निकल जाएगा। तो भाई सर्विस रिकॉर्ड निकल जाएगी, टेंशन नहीं ले, कोई तरह से टेम्पर्ड वगैरह तो नहीं होगा? नहीं, इस गाड़ियों में इतना 2018 की गाड़ी है और ऑफिसर क्लास की गाड़ी है, इसमें क्या होगा? इसमें सनरूफ के साथ भाई, सनरूफ वाली है, W11 मतलब सनरूफ ही है। 10 में भी आती है ना भैया? 10 में भी आती है, 10 में भी आती है। ठीक है भैया, इंश्योरेंस होगी क्या इसमें? इंश्योरेंस वैलिड है अभी, वैलिड है। नंबर कहाँ की होगी भैया? ये देवघर नंबर, देवघर। ठीक है, क्या स्किन कोड की जा रही है वो बताइए? ये लगभग 13-25 की है, 13,25,000 की, 13,25,000 2018 मॉडल। बाकी फाइनेंस वगैरह भी हो जाएगा, तो जिन किन्हीं भाइयों को चाहिए होगा भाई और देखो परखो, उसके बाद लेके जाओ। जरूर जरूर, टेस्ट ड्राइव ले, टेस्ट ड्राइव वगैरह सारा कुछ लीजिए। अब हम लोग लेके आ गए हैं
बोलेरो बोलेरो महिंद्रा की महिंद्रा जो बोलते हैं ना भाई, सीजन में तो गजब की कमाई है, सबसे बड़ी कमाई वाली गाड़ी लेकर अगर बहुत डिमांड होती है भाइयों के, खास करके झारखंड बिहार में बहुत ज्यादा खोज, बहुत ज्यादा बहुत छोटी सेगमेंट के से ज्यादा बड़ी, हमारे यहाँ का टॉप मोस्ट सेल गाड़ी बोलेरो है भाई। तो सोच लो कहाँ नंबर होगी, क्या डिटेल, ये आपकी रांची नंबर गाड़ी है। ओके, रांची नंबर गाड़ी है, 2014 मॉडल की गाड़ी है, गाड़ी देख रहे हैं ओरिजिनल कलर में गाड़ी है। ओके, फुल बॉडी, फुल बॉडी ओरिजिनल है। तो भाई फुल बॉडी ओरिजिनल है, रांची नंबर होती है तो प्लस पॉइंट आप लोग को मिल जाती है। आप कोई भी स्टेट से लीजिए, कोई भी डिस्ट्रिक्ट से लीजिए, डिस्ट्रिक्ट से लीजिए, कोई इशू नहीं है। रांची की गाड़ी जहाँ भी चलाइएगा आप, बोले राजधानी की गाड़ी चल रही। बिल्कुल, किलोमीटर क्या चली हुई भैया? किलोमीटर लगभग 70 के आसपास है, 70,000 के आसपास चली हुई गाड़ी है। और गाड़ी अंदर से भी एक्स्ट्रा इंटीरियर भी देखिएगा तो सीट कवर्स वगैरह सारे कुछ पार्टी ने अच्छे तरीके से लगा के रखी है, और गाड़ी वेल मेंटेन्ड है, वेल मेंटेन है, मस्त गाड़ी है, खास करके कम चली हुई है, कम चली हुई गाड़ी, कम चली हुई है। ठीक है भैया, अब आस्किंग क्या कोट की जा रही होगी? ये आपकी है 2,550,000 ऐसे आसपास, 5,50,000 की, 5,50,000 फाइनेंस भी करा दीजिए, फाइनेंस हो जाएगी। तो भाई फाइनेंस भी करा सकते हो, बाकी कितना कम से कम डाउन पेमेंट करना होगा? इसमें डाउन पेमेंट आपको 35% देना पड़ता है, मतलब वही 2,00,000 के आसपास, 2.5 लाख के आसपास दीजिए, 2.5 के आसपास दीजिए, गाड़ी लेके जाइए, बाकी फाइनेंस 2.5 लाख दो गाड़ी ले जाओ। अब बड़ी सेगमेंट के जगह अब छोटी सेगमेंट एक बीच में आ गई, तो हम लोग सोचे इसको क्यों छोड़ दें, इसको भी कवर किया जाए, क्योंकि छोटी भाई जो छोटी फैमिली होगी बहुत सैलरियों बहुत पसंद किया जाए, सैलरियों सबसे ज्यादा डिमांडेड गाड़ी है मारुति में, खास करके हमारे यहाँ मारुति की जो गाड़ियों में कस्टमर जितने भी आते हैं उसमें सैलरियों का डिमांड बहुत रहता है, कंफर्ट है भैया गाड़ी में, कंफर्ट है, छोटी गाड़ी है और टॉन में बहुत अच्छी है, बिल्कुल चलती है तो लगता है कि हाँ थोड़ा सा चल रही है गाड़ी, का लुक वाइज भी सब मस्त कर दिया, अभी जो आ रही है भैया उसमें फेसलिफ्ट वाली तो वो तो और भी मस्त है भैया, इससे अपग्रेड बस है। क्या डिटेल्स होगी भैया इसकी? ये गाड़ी आपकी 2016 की है। ओके, तो देख रहे हैं लोगों से ही आपको समझ में आ रहा है डॉक्टर की गाड़ी है, भाई देखो यहाँ डॉक्टर की गाड़ी है, और गाड़ी आप देख ही रहे हैं कंडीशन के हिसाब से भी देख रहे हैं, आगे पीछे से आप दिखला दीजिए कस्टमर को, आप हमारे इंटीरियर आप लोग को दिख रहा होगा उसमें पता चल जाएगा, बाकी किलोमीटर क्या चली है? किलोमीटर इसका लगभग आपका 40 के आसपास, 40,000 के अंदर, 40-50 के आसपास चली, अंदर अंदर है उसी के अंदर में, अंदर 40 के अंदर में ही है इसका किलोमीटर। भाई तो देख लो इस तरह का गाड़ी मिले, ओनर सीरियल कौन सी होगी भैया? ओनर आपको फर्स्ट ओनर गाड़ी, फर्स्ट गाड़ी में कोई तरह से खर्च, कोई खर्च नहीं है, आप टेस्ट ड्राइव कराए आपको ऐसा कुछ कमी लगता है तो हम उसको भी सेटिस्फाई करेंगे आप। ठीक है भैया, बताइए अब इसमें इंश्योरेंस होगी? इंश्योरेंस अभी इसकी एक मिनट चेक कर लेंगे ऑनलाइन में। ठीक है, बोलेरो की थी या नहीं भैया? इस गाड़ी में इंश्योरेंस वैलिड नहीं था, इंश्योरेंस हम कस्टमर को करवा के ही देंगे। चलिए कीमत बताइए भैया, क्या कीमत? ये सैलरियों की कीमत है 3,35,000 से, 3,35,000 2016 की गाड़ी, 16 की गाड़ी, मतलब फाइनेंस वगैरह भी आप, फाइनेंस वगैरह सारा कुछ सुविधा यहाँ जैसे आपको लगता है कर सकते हो। तो चलिए अगली गाड़ी, अगली गाड़ी बोलेरो डी आई जो कि भाइयों की काफी ज्यादा कमेंट होती है इस सेगमेंट की गाड़ियों के लिए। डी आई है, सर्विस के मामले में सबसे चीप, सबसे सस्ते में आपको, मतलब मिल जाएगा सर्विस, हीरो बोल सकते हैं कि ऑल्टो, मारुति का ऑल्टो और महिंद्रा की बोलेरो, जीरो मेंटेनेंस गाड़ी, जीरो मेंटेनेंस, कम खर्च में गाड़ी आराम से चलाइए। दंदना के नंबर जमशेदपुर होगी ना? ये धनबाद, धनबाद नंबर है, धनबाद नंबर होगी। पेंट जॉब वगैरह तो क्या ही होगा? पेंट जॉब हल्का फुल्का है, थोड़ा बहुत करोजन वगैरह जंग का भी है तो उसे हम करके ही देंगे कस्टमर को। बिल्कुल, डिटेल्स थोड़ा बताइए भैया। ये 2011 की डी आई है। ओके, 2011 की है, लगभग 80-90 के आसपास चली हुई गाड़ी है। गाड़ी का चारों टायर देख ही रहे, नए कंडीशन में लगा के पार्टी ने रखी थी, और गाड़ी 9-सीटर गाड़ी है, 9-सीटर मतलब आगे दो किया हुआ है, आगे दो और एक ड्राइवर, ड्राइवर सीट थी, बाकी पीछे, बाकी थी। 9-सीटर गाड़ी है भाई, 9-सीटर गाड़ी है, जो कि अभी क्या है एम्बुलेंस वगैरह बनाने के लिए बहुत सारे लोग खोजते हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा ऑफर है कि ये गाड़ी ले ले। बिल्कुल, ओनर सीरियल, फर्स्ट ओनर गाड़ी, फर्स्ट 2011 की गाड़ी, 11 मतलब फाइनेंस नहीं हो पाएगी ये गाड़ी। कितने में भाइयों को मिलेगी भैया? ये सिर्फ और सिर्फ 3,35,000 की गाड़ी है, 3,35,000 में आपको सैलरियो मिल रही है, उतने ही में बोलेरो मिलेगी, मतलब सैलरियो के दाम पे बोलेरो ले जाइए। 9-सीटर भाई गाड़ी, 9-सीटर चलाइए मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि भैया ने सारी गाड़ियों की डिटेल बहुत अच्छे से बताया, और जिनकी नहीं भाइयों को लगता है कि बेहतर जानकारी उसके लिए आप यहाँ आइए, विजिट कीजिए,
देखिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, उसके बाद फाइनल कीजिए क्या भैया? जी सर। अब बताइए, फाइनेंस का सुविधा तो है भैया? यहाँ पे फाइनेंस हो जाएगा। कहाँ कहाँ हो जाएगी वो बताइए? यहाँ पे फाइनेंस की बहुत सारे बैंकों से अपना टाई अप है, प्राइवेट बैंक है और फाइनेंस कंपनियां है, जैसे कि महिंद्रा है, चोला है, पुणे वाला है, यस बैंक है, IDBI, बहुत सारी बैंकों से। मतलब जहाँ से भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़िया लगे वहाँ से आपको करवा के देंगे। ठीक है, इंश्योरेंस और नाम ट्रांसफर के बारे में थोड़ा? इंश्योरेंस और नाम ट्रांसफर तो कस्टमर को पे करना पड़ता है, लेकिन सारा कुछ यहीं से होता है। मतलब जिसमें जिस गाड़ी में इंश्योरेंस होगा पहले उसको तो मिलेगा, मिल जाएगा। जिस गाड़ी में नहीं है भाई तो आपको पे करना होगा, बाकी ये सारा चीज़ करवा देंगे। ठीक है भैया, बाकी अदर स्टेट से भी ले सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से, लेकिन कैश में? कैश में, कैश में फाइनेंस नहीं हो पाएगा अगर आप यहाँ से लोकल एड्रेस। हाँ, लोकल झारखंड के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को इशू नहीं। तो चलिए भैया, वीडियो करते हैं समाप्त। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और भाई चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसी तरह का वीडियो हमेशा आप लोग के लिए लाते रहते हैं, जिससे आप लोग को भी अगर कोई गाड़ी खरीदना होता है उसमें आसानी मिलता है। जरूर।